चार दशकों में बियर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं, पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। एक सुनहरी ठंडी सुबह बांधवगढ़ के जंगलों में ये अभयारण्य विश्व विख्यात है अपने शेरों के लिए। आज हम निकले हैं इन्हीं की खोज में। मध्य प्रदेश की पौराणिक विंध्य पहाड़ियों में स्थित बांधवगढ़ का ये इलाका 1967 तक रीवा के अधीन था और उनकी मनपसंद शिकारगाह थी। आजादी के बाद जंगलों की तबाही और अंधाधुंध शिकार को देखते हुए तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह के अनुरोध पर सरकार ने इसे अभयारण्य घोषित कर दिया। इसका नाम जंगल के बीच सबसे बड़ी पहाड़ी पर बने बांधवगढ़ किले के नाम पर रखा गया। हम हॉट एयर बलून से इसी पहाड़ी पर उड़कर आसपास के जंगल को देखना और समझना चाहते हैं। इसके लिए हम निकल पड़े बांधवगढ़ किले की ओर। कभी लोग यहां हाथी और घोड़ों पर ही आते जाते होंगे। इसका बुलंद दरवाजा और इमारतें इसके वैभवशाली अतीत को दर्शाते हैं। किले तक पहुंचकर यह स्पष्ट हो गया है कि इस खड़ी चढ़ाई और तंग रास्तों से होकर हमारा बलूनिंग का भारी साजो सामान ऊपर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम इसके ऊपर से उड़ना जरूर चाहेंगे। दूर दूर तक फैला जंगल और पहाड़ी इलाका हमारी बलूनिंग के लिए बड़ी चुनौती है। उड़ान भरने के लिए सही जगह की तलाश हमारी सबसे पहली चिंता है। दरअसल बलून में उड़ने की हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य तो किले के ऊपर से उड़ान भरने का है। ठीक जगह और अनुकूल हवा के मिलने में 3 दिन निकल गए। आखिर अगले दिन ताला गांव के पास एक बड़े मैदान से ही हमने उड़ान भरने का फैसला लिया।
बिल कुछ चिंतित है। गैस का मीटर काम नहीं कर रहा, जो उड़ान के लिए बहुत जरूरी है। हमारी किस्मत अच्छी है कि कैप्टन के पास एक दूसरा है। फटाफट इसे बदल हम तैयारी में जुट गए। सहकर्मियों ने बास्केट पर बर्नर लगाकर तैयार कर दिया। सत्तर फुट लंबे गुब्बारे में हवा भरनी शुरू की। बर्नर की मदद से हवा को गर्म करना शुरू किया। 1.5 लाख घन फुट हवा वाला ये गुब्बारा ऊपर उठने लगा। बलून उड़ने के लिए तैयार। जीप से बंधा रस्सा खुलते ही शुरू हुआ हमारा जंगल का रोमांचक सफर। ताला में धुंध छाई हुई है। आठ किलोमीटर प्रति घंटा वाली हवा हमें पश्चिम की ओर ले चली। हम विचलित हैं कि कहीं हमारी सारी मेहनत बेकार न हो जाए। बिल एक अनुभवी कैप्टन है। उन्होंने गुब्बारे को 1500 फुट ऊपर उठाया। सूझबूझ काम कर गई। ऊपरी हवा दक्षिण की ओर है। हम ठीक दिशा में बढ़ने लगे। क्या गजब का नजारा है। घने पेड़ों से ढकी छोटी बड़ी पहाड़ियां, हरी भरी घाटियों का फैला जाल और दलदली घास के मैदान इस अभयारण्य की शोभा बढ़ाते हैं। हमारे ठीक नीचे हैं चक्रधारा के घास के मैदान, शेरों का मनपसंद इलाका। शेरों और दूसरे वन्य प्राणियों को राहत देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना तंत्र में सुधार कर दिन रात निगरानी बढ़ाई गई है। इनके लिए यहां शिकार, पानी, घने जंगल और रहने के लिए अनेक गुफाएं हैं। अभयारण्य के मैदानी इलाकों में साल और बांस का जंगल है, जबकि पहाड़ी ढलानों पर मिला जुला जंगल। हमारी फोटोग्राफी के मद्देनजर कैप्टन बिल बदलती हवा से जूझ रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि हम किले की तरफ बढ़ें।
2500 फीट से ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस किले का शानदार इतिहास रहा है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। कहते हैं रावण को पराजित कर अयोध्या लौटते हुए भगवान राम यहां रुके थे। उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाकर लक्ष्मण को सौंप दिया। ये किला बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के भी अधीन रहा। शायद उन्होंने ही यहां पर 10वीं शताब्दी में अनेक मंदिर और मूर्तियां बनवाई। इनमें भगवान विष्णु के 9 अवतारों की रेतीले चट्टानों में तराशी विशालकाय मूर्तियां खास हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता में जंगली जानवरों और प्रकृति का अच्छा समन्वय रहा है। आज सिर्फ पानी के तालाब, एक मंदिर और खंडहर ही शेष बचे हैं। यहां 8 वर्ग किलोमीटर के समतल मैदान में कभी बड़ी आबादी हुआ करती थी। शानदार मंदिर, राजमहल और अच्छी खासी चहल पहल। क्या खूबसूरत दृश्य है। इसका लुत्फ केवल ऐसे ही बलूनिंग के सफर से लिया जा सकता है। पहाड़ी की ये सीधी चट्टाने गिद्धों के लिए वरदान हैं। इन्हीं में इनके घोंसले हैं। इनकी कुछ प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। बांधवगढ़ के इन लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स की संख्या में भी कमी आई है। हमें उड़ते हुए 1 घंटा हो चुका है और पार्क का एक बड़ा हिस्सा अभी पार करना बाकी है। ४४८ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बांधवगढ़ नेशनल पार्क चारों ओर से 62 गांवों से घिरा है। अभयारण्य एक द्वीप सा बनकर रह गया है। वयस्क बाघ अभयारण्य की सुरक्षा छोड़ नया इलाका बनाने के लिए बाहर जाएं तो जाएं कहां? ऐसे में ये हादसों का शिकार हो जाते हैं। बांधवगढ़ को पीछे छोड़ हम उतरने की तैयारी में हैं। इस इलाके में ज्यादातर लोग भील, गोंड और बैगा जनजाति के हैं जो कभी पूर्ण रूप से यहां के जंगलों पर निर्भर थे। हम ऐसी जगह खोज रहे हैं जहां से सड़क पास में हो और बलूनिंग के भारी सामान को आसानी से बाहर निकाला जा सके। हमारे आग उगलते नायाब गुब्बारे को नीचे उड़ता देख ये लोग पीछे पीछे हो लिए। आगे खुला खेत देखकर कैप्टन विल ने बलून नीचे उतारने का फैसला किया।
हमारी सपोर्ट टीम का कुछ पता नहीं। उन्हें तो अभयारण्य का पूरा चक्कर काटकर यहां तक पहुंचना होगा। पेट का दुखना हो, लक्ष्मी का दुखना हो, लक्ष्मी का मेन आनंद करी, हम ही आनंद करी, अपना भगवान करी। लक्ष्मी तो भगवान की मर्जी से आएगी, वो खुदा अपना दास वो वहां है सब। लोगों ने बताया कि सड़क यहां से दूर है, रास्ते में नाले भी हैं जिन्हें पार कर गाड़ियों का यहां तक आना संभव नहीं। वहां से कैसे कब जाएगा आदमी, आपका पैदल जा सकते हैं? हमारे पास एक विकल्प है, बलून को उठाकर पैदल करीब 1 किलोमीटर सड़क तक ले जाया जाए। लोगों के सहयोग और उनके उत्साह के आगे ये मुश्किल नहीं लगता। बलून का जुलूस शुरू हुआ और हुजूम पीछे पीछे। हवा में तैरते बलून को ताकत की कम, समझ की ज्यादा जरूरत है। ऊपर से पेड़ को बचा के, पेड़ नहीं लग जाए। बिल बहुत परेशान है, कहीं बलून पेड़ से उलझकर फट ना जाए। पर इन सीधे सादे लोगों को इसकी अहमियत का एहसास नहीं। सही बात है, आपकी मदद जो है काम आ रही है, बहुत अच्छा आपकी मदद है, पर मदद में नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है ना? इसलिए ये निकाल के देते हैं, आपको पता है एक आदमी ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऐसे खींच लेगा उसको धीरे से, ठीक है? अब एक और समस्या, आगे नाले को पार करना है। जैसे तैसे पेड़ों से बचते बचाते हम आगे बढ़ रहे हैं। बलून का संतुलन बनाए रखने के लिए बास्केट में हमारा बैठे रहना जरूरी है। अब बारी है दूसरे नाले की। उड़ा ले ना, उड़ा ले। हम दिल से इनके आभारी हैं।
इनकी कड़ी मेहनत से हम एक सुरक्षित जगह पर पहुंच पाए हैं। सपोर्ट टीम आखिर यहां पहुंच ही गई। लोगों के खेत अभयारण्य को छूते हुए हैं, ऐसे में जंगली जानवरों और आदमियों का टकराव लाजमी है। वन विभाग के लिए जंगली जानवरों को अभयारण्य तक सीमित रखना एक नामुमकिन बात है। दूसरी तरफ इन्हें बचाने के लिए लोगों का विश्वास और सहयोग भी बहुत जरूरी है। पर हम ये कहते हैं कि यहाँ तुम लोग भी अपना गांव के आसपास और बाहरी आदमियों को देख रेख किए रहो। देखते रहते सर, जरूरत जब वो समझो तो विभाग को सूचना दो। बहुत अच्छा जी, और कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई। बस तकलीफ इतना है हजूर कि खेत बाड़ी करते हैं, खेती करते हैं तो भी सामर भी आता, चीतर भी आवा थे, सुमर भी आवा थे, बांदर भी आते हैं, यही नुकसान करते हैं। तो हम लोग अब 24 घंटा जब खेती कर लेते हैं किनारा तो 24 घंटा लाठी लेकर खड़े रहते हैं। बस तकलीफ इतना है हजूर कि फिशिंग चैन फिशिंग लग जात। अच्छा। कम से कम नहीं 13 से 4 मीटर लग जात तो हमको बड़ा आनंद आवा। वो बन रहा है, मंजूरी उसकी आ गई है लगभग, तो वो तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। वन विभाग के सामने मुश्किलात बहुत हैं, एक ओर लोग तो दूसरी ओर वन्य प्राणी। संवेदनशील जगहों पर ऊंचा तार जाल लगाकर क्या हम अभयारण्य को एक खुले सफारी में तब्दील कर रहे हैं? ये कुछ हद तक गांव के मवेशियों को जंगल में आने से रोक सकती है, पर शेर जैसे चतुर शिकारी को नहीं। ये बाघिन रात भर खेतों में रहने के बाद वापस अभयारण्य में घुसने का रास्ता ढूंढ रही है। आखिर एक छोटे नाले से ये अंदर घुस ही गई, अब ये सुरक्षित है। अगले दिन हम अपने हाथी स्टैंड को लेकर चक्रधारा की उस शेरनी को देखने के लिए निकल पड़े जो अपने 4 बड़े बच्चों को पाल पोस रही है। शेरों की फोटोग्राफी के लिए इस 10 फुट ऊंचे हाथी स्टैंड का हमने आविष्कार किया था। इससे शेरों का अच्छा फिल्मांकन किया जा सकता है जो हाथी पर बैठकर संभव नहीं। शेरनी बड़े लाड़ प्यार से इन्हें जंगल के संघर्षपूर्ण जीवन के लिए तैयार कर रही है। ये बच्चे कुछ महीनों में मां का साथ छोड़कर स्वतंत्र जीवन शुरू करेंगे। देखना यह है कि बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करते हुए इनका जीवन कितना स्वच्छंद और सुरक्षित होगा।